अरे इसे क्या हो गया? अरे ये अचानक कैसे मर गया यार? ये सारे कबूतर सही, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इसे अचानक से कैसे हो गया यार ये? यार गाइस ये देखें दोस्तों कि हमारे नुकसान हो गया। ये बिल्कुल ठीक ठाक था हमारा परिंदा, लेकिन ये पता नहीं कैसे इसके साथ जो मैं लाया था, इसके साथ मादी, आपको पता होगा मैं हर ब्लॉग में कह रहा था यार ये इसके साथ पैर नहीं लगा के दे रही। लेकिन मुझे कुछ टाइम पहले दोस्तों ये पता लगा था कि यार, मैंने पूछवाया था किसी से तो ये पता लगा था ये नर है, इसके ये जो नर है तो तभी एक नर जोड़ा नहीं लगा पा रहा था और ये अब आकर मर चुका है। ये देखें इसकी हालत तो सही थी, ना स्लीप वगैरह ना कुछ है, बस हाँ ये थोड़ा सा डाउन रहता था, पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन आज ये एक्सपायर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो इस चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अपने बर्ड्स की डेली रूटीन आप लोगों को शेयर करते हैं। दोस्तों आज आते साथ ही मुझे एक बैड न्यूज़ मिल चुकी है। जैसे आपको पता था दोस्तों, इसका एक ये वाले जो मैं इसके लिए एक फीमेल लाया था दोस्तों, फीमेल समझ के, लेकिन वो मेल निकला था। मुझे एक दो दिन पहले पता लगा था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को बताना और वीडियो के अंदर मैं नहीं बता पाया, लेकिन वो मेल था। तो इसका तभी दोस्तों जोड़ा नहीं लग पा रहा था, लेकिन ये वाली जो इसके साथ हम दूसरी फीमेल लाए थे दोस्तों, कहाँ बैठी हुई है ये वाली कंफर्म फीमेल है, बट वो इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रही इन दोनों के साथ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को बहुत दुख है दोस्तों कि हमारा एक कबूतर एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों इसका पानी वगैरह भी निकाल दिया, जल्दी से दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों अपनी ब्राउनी के ये देखें, सारी इसने मिट्टी वगैरह, छत पूरी गंदी कर दी दोस्तों, अंदर से सारा इसने मिट्टी वगैरह निकाल दिया। इसके आगे कैरम बोर्ड लगा देते हैं दोस्तों, ताकि ये अब मैं इनको खोलूँगा। और मैं आज मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इनको भी खोलूँ, इनको खोल के ना ये दोनों बाहर आएंगे, फिर दाने के ज़रिए मैं अंदर भेजूँगा, ताकि इनको भी ये अपना घर का पता लग जाए कि हमने यहाँ जाना है, और इनको पता लग जाए हमने यहाँ जाना है, ताकि अगर हम खोलें भी तो इनको पता होगा कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अब सबसे पहले दोस्तों इसका एक कैरम बोर्ड लगा देते, ताकि ये किसी भी कबूतर वगैरह को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा जी दोस्तों, मैंने अपने सारे कबूतर खोल दिए, और ये देखें मैंने आज का ये दरवाज़ा भी खोल दिया। मैंने बोला यार आज काफ़ी दिनों बाद मैं इनको भी खोल लेता, क्योंकि जब से पिंजरा बना है और मैंने स्टिल 1.5 महीने से ऊपर तक इनके पर वगैरह बांध के रखे। लेकिन चलो अब जिसको जाना होगा चले जाए, जिसको रहना होगा रहे, लेकिन सबके अभी इस वक्त पर वगैरह सबके खुले हुए, जो कटे हुए पर आए थे वो कटे हुए, वो मैंने खींचे पर नहीं है। मैंने बोला जब तक ब्रीडिंग नहीं करते तो तब तक रहें ये। और माशाल्लाह देखें एक अंदर कबूतर है, बाकी सारे ये अपने बाहर घूम रहे हैं। और अभी मैं इनको दाना वगैरह डालता हूँ, और ये देखें मैंने इनको कुछ को यहाँ दाना डाला, ये सुकून से अपने यहाँ खा रहे हो। और यही अच्छा तरीका है कि चूज़ों को अपना अलग बंदा दाना डाल दे और इनको अलग डाल दे। ये देखें आओ ये डाल दिया, अब इनको यहीं रोक देते हैं, ताकि मैं इनको ना यहाँ से दाना उठाकर वहाँ पर डाल दूँ, और ताकि अपने सुकून से खा लें। आ जाओ ये देखें। और दोस्तों ये दाना बच भी जाता है ना, तो ये सुबह के काम आ जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे ये फिर उठ कर अपना खा लेते हैं। और शेरू पीछे अपने बच्चों को मार रहे हैं। और जल्दी से दोस्तों थोड़ा सा और इनको दाना वगैरह डाल देते हैं। और मजनू देखें हमारे पास आ रहा है, मजनू आ जाओ ये देखें। अब लेला भी देखो, देखिए आ जाएगी, लेला को भी पता नहीं है कि मजनू इनका शोहर कहाँ है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको देखा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक गुड न्यूज़ भी है और आज एक आते साथ बैड न्यूज़ मिल गई। वो तो दोस्तों दुख है हमें कि यार एक पता नहीं कैसे एक्सपायर हो गया। अब मजनू चलो नीचे जाओ, आओ आओ आओ। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है, हमारी लालबंश राजी ने अंडा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने जैसे देखा ये देखें दोस्तों, वो देखें दोस्तों माशाल्लाह, हमारी लालबंश राजी ने अंडा दे दिया दोस्तों माशाल्लाह से। वो देखें आप सामने, वो अंडा एक दे चुकी है और एक आप कल दे देगी, और अब हमें जो जिसका हमें इंतज़ार था मजनू, अब जिसका अब हमें इंतज़ार था ना, कहाँ गया लालबंश राजी, कहाँ गई ये रहा। और ये अब दूसरा अंडा दे दी, और इसके अब हमें बच्चे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अब ये वाली जो कुंडेली है दोस्तों, हमारे पास कुंडेलियाँ भी एक तो बहुत कम है, अब ये वाली कुंडेली दोस्तों हमने हटा करना, इसके नीचे रखनी है, ताकि ये अपने अंडे वगैरह निकाल दे। और इसके तो अब दोस्तों बच्चे हो चुके हैं, अब उसको कुंडेली की इतनी नीड नहीं है, ज़्यादा नीड है तो अपने लालबंश राजी के पैर को नीड है, क्योंकि उसके अंडे हैं छोटे छोटे। अच्छा जी दोस्तों, अब हम जल्दी से दूसरा ये काम करते हैं। सबसे पहले हम इसका भी पानी वगैरह चेंज कर लेते दोस्तों, इसका पानी वगैरह चेंज कर ले, क्योंकि दोस्तों हमने जल्दी से कबूतर वगैरह खोले थे और एक का तो पानी वगैरह चेंज करना बनता था। और अब अपने बजीस का छोटू गैंग का हम पानी चेंज करेंगे, इसका पानी चेंज करेंगे, ये बाल्टी बाहर रख दी, इसका भी पानी चेंज करेंगे, और अपनी ब्राउनी का भी पानी चेंज करेंगे। और ब्राउनी अपना पानी इतना नहायत ही गंदा करती है, क्योंकि दोस्तों वो अंदर मिट्टी है, मिट्टी से खेलती है, और सारे मिट्टी जब पानी के अंदर जाती है तो सारा पानी दोस्तों हो जाता है गंदा। तो जब गंदा हो जाता है तो स्मेल भी आती है दोस्तों, और ब्राउनी अपना पानी बहुत ज़्यादा गंदा करती है। अब ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, और ये भी चेंज करना है, और ये भी चेंज करना है। दोस्तों सब पानी वगैरह चेंज कर लेकर मैं आपसे मिलता हूँ।
अच्छा जी दोस्तों, सबको पानी वगैरह डाल के मैं हो चुका हूँ बिल्कुल फारिक। ये बस पानी इसको नीचे अंदर रखना है, ब्राउनी का भी अंदर रखना है। ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरे, मैंने कुंडलियाँ साफ़ सुथरी कर ली। और ये तो पानी डाल के, अब ये पानी दोस्तों अंदर रखना है। और गिनती के मुझे लगता है सिर्फ इन दो कबूतरों को पता लगे हमारा घर है, बाकी ये दो कबूतर देखें वहाँ से आएँ, ये दो कबूतर वहाँ से आएँ और ये वाला मेल वहाँ से आया। दोस्तों गिनती के तीन चार कबूतर वहाँ से आए, इनको हम खुद बाहर निकालेंगे और यहाँ छोड़ देंगे ताकि ये अपना यहाँ से अंदर जाएं। ये देखें दोस्तों, ये आए का है एक, ये आए दो, एक ये जो लड़ रहा है तीन, बस दोस्तों तीन हो गए। और लेला हमारी बाहर है, लेला को हम अंदर रख देंगे फिलहाल। और ये देखें अपनी सोने वाली जगह पहुँच गए, चलो भाई अंदर। ये देखें ये वापसी आ रहे इधर, ये देख चलो अपने घर चलो, अपने घर चलो। दोस्तों ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये देखें दोस्तों अपनी मम्मा के ऊपर गुटा कराइए, इसकी वालदा है ये ना हमारी लेला, ये लेला की बच्चा है। ये थोड़ा सा शेप कर रहा था तो मुझे लग रहा था ये मेल है। और ये देखें ये मेल, ये देखें ये देखें ये देखें, जो देख जिनको पता है कबूतरों का उनको जानते होंगे दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारे घर का बच्चा मेल निकला और इतना खूबसूरत मेल निकला है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये सुनकर मुझे बहुत खुश समझे बहुत खुशी हुई है कि यार ये हमारे घर का मेल निकला। मुझे लग रहा था दोस्तों फीमेल और इतना खूबसूरत मेल माशाल्लाह। और अपनी मम्मा के पीछे मस्त हो रही है, इनकी वालदा मुहतरमा है। अब दोस्तों मुझे ही लग रहा है ये खुद जाएंगे, इनको पकड़ के दोस्तों करना पड़ेगा क्योंकि अब मगरिब का वक्त होने वाला है। और मैंने इन बजिस का भी दोस्तों अंदर से पानी वगैरह चेंज कर दिया। फाइनली दोस्तों मैंने सब कबूतरों को, बजिस को और अपने दूसरे ब्रीडिंग वाले पिजन्स को, मुर्गों को, ब्राउनी को, शेरू को, सबको दाना वगैरह पानी वगैरह दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शेरू अपनी जगह पर जाके बैठ चुके हैं वो देखें। और ये अपनी यहाँ पर ही सोते हैं दोस्तों। और इसका भी दोस्तों मैंने यहाँ बाल्टी पड़ी हुई थी वो भी मैंने अंदर रख दी, वो देखें वो पड़ी हुई सामने। और ये ब्राउनी अपने बच्चों के साथ दोस्तों बैठी हुई है। और ब्रीडिंग वाले दोस्तों ये देखें ऊपर चढ़ा देता हूँ मैं, चलो चलो चलो। अब दोस्तों ब्रीडिंग वाले कबूतरों की बात की जाए तो माशाल्लाह से एक अंडा दे दिया, लेकिन ये बैठ नहीं रही, लगता है शायद बैठे या ना बैठे अल्लाह बेहतर जाने। बैठती तो ठीक है, नहीं बैठती तो कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकती, इसकी मर्ज़ी इसकी चीज़। और बाकी माशाल्लाह से ये सेट है दोस्तों। हाँ मुझे तंग कर रहा था इन कबूतरों ने, ये वाले कबूतर दोस्तों यहाँ नहीं कर रहे थे, यहाँ पर लड़ रहे थे, इनको अपनी सही इस लोकेशन का पता नहीं चला। तो कुछ दो चार अंदर चले गए लेकिन सारे नहीं गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक और दूसरी बात है दोस्तों, इन पिजन्स को ये वाला घर पसंद भी नहीं है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि ये ऐसे लटके रहते हैं, ना पेटियां लगी हुई ना कुछ लगा हुआ, इस वजह से वो उस टूटे फूटे पिंजरे के अंदर जाना पसंद करते हैं जिसमें कम से कम घर तो बने हुए, तो तभी ये लोग उधर जाना पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर घर आ गए तो ये कभी उस जगह को देखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ आएंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ टाइम की बात है, इंशाल्लाह यहाँ भी पेटियाँ वगैरह रख देंगे। और हमारे बजट छोटू किंग को दोस्तों पानी वगैरह दाना वगैरह हमने सारा कुछ डाल दिया था। और बस दोस्तों ये भी इंशाल्लाह ताला हम भी यहाँ कुंडीजे रखकर अपने बेबीज़ की प्रोग्रेस स्टार्ट करेंगे, हमें ये भी देखने को मिलेंगे। बस अभी फिलहाल इंतज़ार है तो दोस्तों इस हमारी लालपन शराजी का। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्त लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल डेली बर्ड टेलीविजन को लाजमी सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन लाजमी दबा दो। मैं ये देख रहा हूँ आप देख तो वीडियो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे देख के चले जाते हो, यार ऐसा मत किया करो, लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपके पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़।